हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कलर स्क्रू और मैं आपका अपना होस्ट करण आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको पेटूनिया को सीड से ग्रो करने का सीक्रेट फार्मूला बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आपके जो जर्मिनेशन है 100% होगी और इसे आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए आपके गार्डन की सॉइल और 20% सैंड रेट, समुद्री रेत। आपने इसे इसी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, पेटूनिया एक ऐसा सीड है जिसे ग्रो करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि मुझे फेसबुक पे काफ़ी दोस्तों के मैसेज मिले हैं कि हमारे यहाँ इसकी सीडलिंग इजीली नहीं होती और हम इसे ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर आप ये मेथड अपनाएंगे तो आप 100% इसकी जो सीडलिंग है आसानी से कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट जो आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। अभी आपने जो मीडिया हमने यूज़ किया है उसको उसी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो सैंड और गार्डन की रेत है आपस में मिक्स हो जाए। मैंने इन दोनों चीज़ों को एक छाननी की मदद से छान लिया था और इसमें से बारीक कंकर थे और डलियाँ थी इसकी मिट्टी की, वो निकाल दी थी। और अभी इसमें बारीक रेत और बारीक मेरे गार्डन की सॉइल रह चुकी है और जो कुछ और था वो मैंने निकाल दिया। अभी ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसे पोट में फिल कर देंगे, क्योंकि मैं सीडलिंग के लिए पोट यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पोट प्लास्टिक का पोट है, आप इससे बड़ा पोट भी यूज़ कर सकते हैं। जी, जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि कैसे मैं अपने घर पे इसकी सीडलिंग तैयार करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरा मेथड अपनाएंगे तो आपको जो रिज़ल्ट है बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा और जो उसकी सीडलिंग होगी काफ़ी हेल्थी होगी और जल्दी से जल्दी ये ग्रो हो जाएगी। अभी आपने इसे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने पोट को, जो इसकी मिट्टी है उसको लेवल में कर लेना है। आप ऊपर तक भी फिल कर सकते हैं। मैंने, मेरे पास जो मटेरियल था थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने इसे नीचे तक ही फिल किया है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा वर्मिंग कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है पेटूनिया की सीड जो मैंने पिछले साल कलेक्ट किए थे। अगर आपके पास पेटूनिया के सीड्स नहीं हैं तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे वहां से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी बारीक सीड होते हैं दिखने में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें काफ़ी बारीक सीड हैं। तो आपने इसे जब स्प्रिंकल करना है तो बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक जगह ज़्यादा बीज गिरने के कारण उनकी स्प्राउटिंग शुरू नहीं होती और जहाँ ज़्यादा स्पेस ना होने के कारण वो मर जाते हैं। तो आपने अच्छी तरह से इसे अपने पोट के हरेक कोने में स्प्रिंकल कर देना है, ताकि जो आपकी जर्मिनेशन है एक बराबर हो। हम इसे पानी जो देंगे वो फुहारे की मदद से देंगे, डायरेक्ट आपने इसे पानी नहीं देना, क्योंकि डायरेक्ट पानी से आपकी सीडलिंग मर सकती है। पोट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसको शिफ्ट करना आसान होता है। कई बार ऐसा होता है जहाँ पर हमने इसे रखा है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसकी वजह से भी सीडलिंग को प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने इसे रखना है सेमी शेडी एरिया में, जहाँ पर आरी धूप और आधी छाँ हो। अभी आपने इसे ऊपर से कवर कर लेना है, क्योंकि अभी आपने इसमें सीड स्प्रिंकल कर दिए हैं। उसके लिए हम मिट्टी यूज़ करेंगे जो हमने मिक्सर तैयार किया था, वही वाला, और धीरे धीरे से इसके ऊपर थोड़ी सी लेयर बना देंगे, ताकि जो सीड हैं ऊपर से कवर हो जाएं। ऊपर से कवर होने के कारण जो सीड हैं जल्दी ग्रो हो जाएंगे और इसे चींटियाँ वगैरह जहाँ पंछी वगैरह नहीं खाएंगे। तो चल के जल्दी से हम इसे ऊपर से कवर कर देते हैं। अभी मैंने इसे ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अभी इसको मैं वाटरिंग दूंगा। इसके लिए मैंने एक बोतल ली है, उसके ऊपर ढक्कन में मैंने कुछ छेद कर लिए हैं, ताकि इसके ऊपर सीधा पानी ना पड़े। तो आपने बड़े ही सावधानी से इसे पानी देना है, क्योंकि जब आप पानी देंगे तो आपके जो सीडें एक जगह से दूसरी जगह तक खिल भी सकते हैं। अच्छी तरह वाटरिंग करने के बाद आपने इसे ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर कुछ टाइम धूप आती हो और छाया रहती हो, मतलब सेमी शेडी एरिया में रख देना है। तो जो दोस्तों, अभी आपकी जो सीडलिंग है लग चुकी है। अभी इसको कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे इसके जो सीड़े स्प्राउट होने शुरू होंगे। तो ये थोड़ी सी टाइम लेता है दोस्तों पेटूनिया की जो सीडलिंग होती है ग्रो होने में, कम से कम 1 मंथ ले जाता है ट्रांसप्लांट करने के जब योग होता है। तो चलिए बने रहे हमारे साथ, अभी देखते हैं कितने दिन बाद इसका रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, अभी 10 से 12 दिन हो चुके हैं और जो मैंने पेटूनिया की सीडलिंग की थी उसका रिज़ल्ट आपके सामने है।
बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट मुझे मिला है, ये देख सकते हैं आप। इस पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया जो जर्मिनेशन हुई है और इसमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ चल रही है। इसको जो मैं वाटरिंग देता हूँ तब देता हूँ जैसे जब मुझे मालूम होता है कि इसकी जो है मिट्टी है सूख चुकी है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से अपने घर पे आसानी से पेटूनिया को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।